आप बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हो, थैंक यू। अच्छा चलो मुझे इधर पारी तो देख के दिखाओ ज़रा। नहीं सही वाली, नहीं ये सही तरह, थैंक यू। उसको डर था कि इस पे लगना तो नहीं लगी। ओ ये क्या कर ओ दिया आपने? वही हाँ वाला मुंह बनाया है। जी। ये क्या करती है? ओ ठहरे, मैं आपको टिश्यू से क्लीन करती हूँ इतनी। ओ चलो चलो क्लीन हो गया, अब आप लगा दो। थैंक यू। उधर मामा को दिखाओ ना, ओ हो गया है, दिखाओ ओ। ओ चलो थैंक यू। आपकी वीडियो बना रही हूँ। चलो अब व्लॉग इस तरह के बनेंगे। इस तरह के कटे हुए पड़े हुए थे, इसलिए मैंने इनको इसी तरह व्यवस्थित कर दिया। हाँ बल्कि अगर आप थोड़ा वेट करते ना, आपने तो ऑयल में फ़ौरन वो डाल देते, जितनी देर में ये चॉप कर रही थी इनको डाल देती, वो भी छोटे छोटे चॉप हो जाएंगे। अमीश एक और काम कर रहे हो, साथ साथ खा रहे हैं। हम भी कर रहे हो मिशो, आप तो इनको ख़राब कर रहे हो। चलो हम भी कर लो फिर, गुड बॉय। मज़ा अच्छा, थम्स अप के बजाय फिंगर ऐसे से करता है मिशू। थम्स अप मिशू। साथ खा रहे हैं, साथ वो काम कर रहे हैं। आदत इस तरह की, एक काम में लगे दूसरा भूल ही गया। आपने तेज किया या हल्का किया? बहुत हल्का किया, या आपने तेज किया चूल्हा? अब तेज किया है ना कि अच्छा अब ठीक है, एक्चुअली जो है वो भूल ही गया। बीच में प्याज रखे चलो हुए, आपने आते बिगाड़ दी हैं। आपने भी तो मेरी आदतें बिगाड़ी हैं। मैंने क्या बिगाड़ी है, सारी आपने तो बिगाड़ी है। मिशी को देखिए, काम कर करके थक के नींद आ गई है, वो खा खा के भी थक गया है। ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बन रहा है आज के। इसमें क्या है? अच्छा हुआ नहीं, ये नहीं करना, इसमें वो मिर्चे थी ना, ये वापस रख दूँ? जी गुआ का बेटा जी, अब नहीं करना, आपने खेल लिया बस। चलो ठीक है, आ जाओ गुआ का बेटा, आ जाओ। हाँ जी चलो बाय। ब्रेड लगी हुई है, थैंक यू। और ये कल आपने ट्रैश बनाया था ना, तो ये आपने ट्रैश किया नहीं फिर? मिशी ट्रैश फेंका नहीं? जो ट्रैश फेंका बाय इशी बाय। मशरूम्स भी डालने थे अगर। मशरूम्स का कैन है, खोलूं? आप छोड़ देंगे तो। कह रहे हो? मॉडर्न हाउस है, देखो। अभी मैं बना रहा हूँ, अभी मैंने सेव बनाया नहीं। और ये स्लाइम इधर उधर होता है क्योंकि मैंने फ्लैट किया है ना, इन्फिनिट या ओल्ड नहीं किया है इसका टाइप, तो वर्ड टाइप मैंने इसका डिफरेंट किया। तो हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है आपका। अच्छा ये स्लग है एंड मुझे को चीज़ अच्छा लगता है भैया की तरह। ये लो बाय। अच्छा इसमें सन ड्राइड टोमेटोज डल रहे हैं, फुल पार्टी कर रहे हैं आज आपको। उतनी देर में और निकाल दूँ या काफ़ी है? बस ज़्यादा नहीं, मैंने
मास्टर शेफ। ओ हिडन टैलेंट, मेरे सामने हिडन नहीं है लेकिन लोगों को नहीं पता अभी। जबरदस्त है ये फोटोशूट। हैप्पी बर्थडे। क्या कर रहे हैं उसके अंदर चीज जो है ना मेल्ट होता जा रहा है साथ साथ। यम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं चाय बना दूँ अपने लिए, इसको फोल्ड कर दें। वाह क्या हामी, आपकी लस्सी मैंने फ्रिज में रखती थी ताकि ठंडी रहे। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बेटा, आप इतना ज़्यादा करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा खाने में। नहीं बटर ज़्यादा नहीं है, ये अभी मेल्ट होके इसमें मिक्स हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। और मैं आज ज़रा कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो मैंने सोचा कि कपड़े फ़ोल्ड करते करते आपसे गपशप लगा लेते हैं। कैसे हैं आप सब? और नॉच व्लॉग्स के ऊपर तो मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर ही नहीं पा रही हूँ, तो बस आज बहुत दिल किया और उस चैनल को और उन वीडियोस को मैं काफ़ी मिस करती हूँ। एक्चुअली कुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट डेली हो रही होती है, बस जिस दिन लेफ्ट ओवर हो फूड ज़्यादा उस दिन कुकिंग नहीं करती नेक्स्ट डे के लिए। अदरवाइज़ आपको पता है कि कुकिंग तो डेली का काम होता है, तो उस चैनल पे ज़्यादा 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 वीडियोज़ नेचुरली आए जा रही हैं, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा ईजी लगता है कुकिंग की वीडियोज़ जो हैं वो एडिट करनी और उनको अपलोड करना, रिलेटिवली वे मच ईजियर देन व्लॉगिंग एंड एडिटिंग द व्लॉग्स। तो लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार इस तरह नहीं, जो आपका चैनल जिस जहाँ से आपने शुरू किया था उसको आप अटेंशन नहीं दे रहे हो ज़्यादा और दूसरे चैनल को दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। और आजकल आई हुई हैं छुट्टियाँ, वेकेशन हैं आपको पता है, तो बच्चे बेचारे जो है ना बहुत ही बोर हो चुके हैं और बच्चों को करने को कुछ नहीं मिलता है तो बच्चे घर में उधम मचाते हैं। और मैं उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं करती क्योंकि क्या करें बेचारे बच्चे, गंद भी बहुत डालते हैं आजकल, चीज़ें बखेरते हैं और रूटीन हमारी सोने जागने की ख़राब हो चुकी है और बस यही सब कुछ है। लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं तो मैं कहती हूँ चलो यार चलने दो। और बाकी आप सब सुनाएं क्या हाल है, कैसे हैं? लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं अपना यही S9 Plus है, सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus है मेरा फ़ोन, ये यूज़ करती हूँ अभी मैं डेटा कॉपी कर रही हूँ। और दूसरा ये है मेरे पास कैनन G7X Mark II और ये मैं यूज़ करती हूँ। ये दो कैमराज हैं और ये मैंने अपनी यूट्यूब की सैलरी से लिया हुआ है और इट फील्स गुड। मैं ऑल्दो जॉब भी करती हूँ लेकिन यह है कि यूट्यूब की अर्निंग से जब कोई चीज़ आती है ना तो फिर उसका बहुत मज़ा आता है, तो ये है ये मैं यूज़ करती हूँ। और जो सॉफ्टवेयर आप पूछते हैं, हाँ सॉफ्टवेयर भी मैं आपको आज दिखाती हूँ। सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ Filmora 9 जो है वो मैंने, मतलब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है और इसको परचेज़ किया हुआ है मैंने। ये न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन करती हूँ मैं
और फिर बस इसमें जो है मीडिया वगैरह इंपोर्ट कर लेती हूँ जो जो भी करना होता है, और फिर इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये बहुत बहुत सिंपल ऐप है और बहुत अच्छी है। उसके अलावा पावर डायरेक्टर भी है मेरे पास, लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका हर जो भी आपने उसके आई थिंक जो भी यूज़ करने होते हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह, वो आपको डाउनलोड और परचेज करने पड़ते हैं। इसमें एक ही दफ़ा डाउनलोड करके आप उन्हीं को, वो इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको यूज़ करते हैं। और जो सेल्फ़ी स्टिक मैं यूज़ करती हूँ, आज आपको मैं सारा कुछ दिखाती हूँ। सेल्फ़ी स्टिक एक तो ये मुझे पाकिस्तान में शहजाद ने बहुत पहले लेके दिया था, अभी नई नई हमारी शादी हुई थी, और उस वक्त इतना बड़ा ये जिन जैसा जो है वो स्टैंड लेके दिया था प्रोफेशनल व्लॉगिंग के लिए, मतलब कैमराज के लिए। और हमारा हैंडी कैम लेने का मूड था, लेकिन फिर हमने नहीं लिया, तो तब से पड़ा हुआ। तो कभी कभी ये मैं कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरी मेरे पास ये सेल्फ़ी स्टिक है, ये मैंने जरीर से ली है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी हाइट भी हो जाती है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टिक है। और अभी मैंने आज इस तरह की एक और भी लेनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कैमरा भी इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से लग जाता है एज़ कम्पेयर टू उस पर। तो फिर इस तरह की एक फ़ोन पे लगी होगी और एक कैमरा पे लगी होगी। सो ये मेरे टोटल इक्विपमेंट्स हैं, और बस इतना सिंप्लीफाइड सा मेरा तरीका है एडिटिंग का और ब्लॉगिंग का। और ये मेरा प्रिंटर है, बस कोई रेसिपीज़ वगैरह होती हैं तो वो इसमें से प्रिंट आउट्स निकलते हैं, और बस डन है, मेरी एडिटिंग सारी इस एरिया में कंप्लीट हो जाती है। तो भाई ये जो बॉयज है ना, ये तीनों इधर ही बैठे, मैं तो जाके अपनी एडिटिंग करूं। चलना नहीं है कहाँ? कुछ भी खाने के लिए। मुझे फलूदा खिलाएंगे? फलूदा खाने आपने? हाँ दिखे दो। हाँ यार, अच्छा चले आज कुल्फी खा लेते हैं, किसी और दिन फलूदा खाएंगे। हाँ हाँ वाकई यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा चले, जब जाना वो बता देना, बस 5 मिनट देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं चला गया था। हर जगह कोई ना कोई टॉयज जो है ना गिरे ही होते हैं, जितने मर्जी समेट लो। हाँ मैं वो लेके आई थी अपनी सेल्फी स्टिक, वो लेके आती हूँ। अभी अभी सारे बर्तन धो के रखे हैं, और इसको मैं यूज़ करूँगी इसके लिए। एंड डन ऐसे है। मुझे क्या देखनी है? मोमो देखनी है? मोमो देखनी है? देखनी है मोमो? चलो इस पे मोमो लगाए। मोमो बोले, मोमो मोमो। कैमरा ऑन हो जाए फिर नहीं मिशी बोलता है ना। मोमो उधर जाके बैठ के देखो। चलें इसको क्लोज करें, उधर जाके बैठे जाएं, उधर उधर सोफा पे बैठ जाओ। चलो इधर बैठ जाओ, गुड बॉय मिशी। किधर जा रहे हो मिशी? कॉलेज जा रहे हो? कैसे कर रहे थे कल? चलो मिशू, तय आप भी तो करो ना। फिर करो। बच्चे खाने वाली डायन। इतना बड़ा बोल है ये कि पूरा खाया भी नहीं जाता।
मैं खा लूँगा, मिल के खा लेंगे ना इसीलिए। मैं ये है हमारा डिनर, और आज कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था घर पे, सो ये बाहर से ले लिया। कढ़ी है और चिकन कोरमा है, और ये तिहामी है, और ये तिहामी के बाबा हैं जी। स्पाइसी तो बड़े मज़े से आप खा लेते हो चट्टू। बाय बाय कर दो। बाय।